हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आप अपने जीके सब्जेक्ट की जो बुक है उसे ओपन कीजिए। और जीके में हम पढ़ रहे थे बच्चों चैप्टर नंबर 13, आवर नेशनल सिंबल्स, यानी कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, हमारे जो देश के, हमारा जो नेशन है, कंट्री है इंडिया, तो इंडिया के जो राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं, जो सिंबल है, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आप भी ओपन कीजिए चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर 17। ये है चैप्टर का नाम, आवर नेशनल सिंबल्स। ठीक है, तो सिंबल्स ये हैं इस तरीके के, जैसे कमल हमारा फ्लावर, नेशनल फ्लावर है, लोटस, इंग्लिश में कहेंगे लोटस। फिर नेशनल गेम हमने पढ़े थे कि नेशनल गेम हमारा क्या है, हॉकी है। ठीक, इस तरह से हमने और पढ़ा था कि हमारा नेशनल एंथम क्या है, राष्ट्रगान जनगण मन है। और राष्ट्रगीत कौन सा है, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग। ठीक, ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों 5 में, जो 5 में लिखा है, देखिए आप भी पढ़िए 5 नंबर पॉइंट, विच इज आवर नेशनल ट्री। तो आप कई प्रकार के ट्रीज देखते हैं, पेड़ देखते हैं, लेकिन जो हमारे देश इंडिया का जो नेशनल ट्री है वो कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है बनियन ट्री, यानी कि बरगद, बरगद का पेड़, बहुत बड़ा पेड़ होता है। और सेकंड ऑप्शन दिया है पीपल ट्री, जो पीपल का पेड़ आप देखते हैं, आप कई जगह देखते होंगे, मंदिर के आसपास देखते होंगे, आप अपनी कॉलोनी में देखते होंगे। ठीक है, तो पीपल का पेड़ भी होता है और बनियन ट्री, बरगद पेड़ का पेड़। तो बरगद का पेड़ हमारे आप देखते होंगे कि ऐसी खुली जगह पर होता है जहां उसको फैलने के लिए बहुत जगह चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो हमारा नेशनल ट्री इनमें से कौन सा है, हमारा नेशनल ट्री है, नेशनल ट्री बनियन ट्री। ये सामने इसका पिक्चर बना हुआ है, देखिए बहुत बड़ा पेड़ होता है बनियन, यानी कि बरगद, बरगद का पेड़ हमारा नेशनल ट्री है। ठीक है, ओके। फिर देखिए 6, विच इज आवर नेशनल करेंसी सिंबल्स। करेंसी, करेंसी का मतलब होता है जो पैसा है, जो रुपया है हमारे देश में, तो उसका एक सिंबल है, उसको लिखने के लिए, रुपए को लिखने के पहले हम क्या करते थे बच्चों, रुपए को ऐसे लिखते थे रो और ऐसे जीरो कर देते थे, या फिर रुपए ऐसे पूरा लिखते थे। लेकिन अभी कुछ साल पहले से हमारी भारत सरकार ने क्या किया, एक सिंबल बनवाया। ठीक है, यानी कि एक प्रतीक बनाया भारतीय रुपए को दर्शाने के लिए, लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 सिंबल बने हुए हैं, एक ये सिंबल है और एक ये सिंबल है, देखिए आगे ए में और बी में। अच्छा, इससे पहले आप क्या करेंगे, नेशनल ट्री के आगे आपने टिक भी लगाना है। ठीक है, यहाँ ये बनियन ट्री, बनियन ट्री का जो बॉक्स दिया है वहाँ पे आपने टिक लगाना है। और ऐसे ही हमने यहाँ 6 में जो नेशनल करेंसी सिंबल है उस पर भी सही जो होगा उस पर राइट टिक करना है। तो कौन सा है बच्चों, हमारा जो नेशनल करेंसी जो है, जो हमारे रुपए हैं, उसको दर्शाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको लिखने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला बी वाला, बी के आगे हम टिक लगा देंगे। कैसे लिखते हैं ये देखिए, मैं आपको बड़े बड़े
पेज पूरे पेज पे लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हिंदी का र, र लिखेंगे कैसे, ऐसे, ठीक है, र लिखेंगे और र के ऊपर लाइन, ऐसी एक लाइन र हो गया। ये स्लिपिंग लाइन तो हम लगाते ही हैं, लगाते हैं ना, तो ये र हो गया, र लिखा और र के ऊपर स्लिपिंग लाइन। अब क्या करेंगे आप, जो स्लिपिंग लाइन है उसके नीचे एक और लाइन बनाएंगे ऐसे, ये देखिए, बस और कुछ नहीं करना, बन गया ये रुपए, ठीक है, ऐसे हम रुपए लिखते हैं। अब इसके आगे हम कुछ भी रुपए लिख सकते हैं, रुपए 10 रुपए, 100 रुपए, लेकिन उससे पहले हमें इस तरीके से लिखना होता है, ठीक। तो ये है रुपए का साइन या सिंबल, तो इसके आगे हम टिक लगा देंगे। अब 7 पे, विच इज आवर नेशनल फ्रूट, फ्रूट यानी कि फल, कौन सा है हमारा फल जो राष्ट्रीय फल है, नेशनल फल, नेशनल फ्रूट। पहले दिया है इन्होंने ग्वावा यानी अमरूद, और बी में दिया है इन्होंने मैंगो, ये देखिए पिक्चर बना हुआ है, तो बताइए नेशनल फ्रूट कौन सा है, मैंगो, यस। तो मैंगो के आगे हम राइट टिक लगा देंगे इस तरीके से, ओके। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे लास्ट वीडियो में हमने नोट्स बनाए थे, वैसे ही हम इस वीडियो की भी, ये जो आज हमने पढ़ा है इसके भी नोट्स बनाएंगे, कैसे, ये देखिए लास्ट वीडियो में हमने इस तरीके से बनाए थे, अवर नेशनल फ्लावर लोटस, अवर नेशनल गेम हॉकी, अवर नेशनल एंथम जन गण मन, अवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक। अब हम इसी के साथ, इसी के नीचे, या फिर अगर आपकी कॉपी पर जगह है तो आप यहीं लिखिए, अगर जगह नहीं है तो आप नेक्स्ट पेज पर लिखिए, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन उसके साथ साथ, और आज की डेट ज़रूर लिखिएगा, डेट और डे, ठीक। और यहाँ देखिए हम 4 तक लिख चुके हैं, तो अब हम 5 से लिखेंगे, यहाँ इसी तरीके से लिखेंगे जैसे लास्ट वीडियो में लिखा था, आवर नेशनल ट्री। स्पेलिंग आप सीधी सही सही लिखेंगे, अगर स्पेलिंग यहाँ समझ में ना आए तो बुक में देख लीजिएगा, ठीक है, आवर नेशनल ट्री, हमारा राष्ट्रीय जो पेड़ है वो कौन सा है, बनियन ट्री, बनियन ट्री, स्पेलिंग देख लीजिएगा और नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा ऐसे नीचे लाइन, ठीक है, ओके। अब देखिए आवर नेशनल करेंसी सिंबल, अलग अलग लिखिएगा साफ साफ, 6 नंबर लिखिए, फिर लिखिए आवर, फिर लिखना है नेशनल, फिर करेंसी, फिर सिंबल, और जैसे मैंने आपको बताया था रुपीस का साइन बनाना है, ये देखिए कैसे बनाया, पहले र लिखा, र के ऊपर लाइन, स्लिपिंग लाइन, और स्लिपिंग लाइन के नीचे एक और लाइन, ज़्यादा नीचे नहीं थोड़े नीचे ऐसे, ये बन गया रुपीस का साइन बन गया, रुपीस का सिंबल बन गया, ठीक है, ओके। अब देखिए 7, आवर नेशनल फ्रूट, हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है, मैंगो, मैंगो के नीचे भी लाइन अंडरलाइन कर देंगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आप नोट्स बनाइए, इस चैप्टर का एक बार फिर से रिवीजन कीजिए और लर्न कीजिए इसे, ठीक, ओके।